नमस्कार किसान साथियों, मैं राम खिलाड़ी मीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग चैंपियंस पर। तो साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, टमाटर की फसल इस खेत में लगी हुई है और आज का जो वीडियो है टमाटर की फसल के बारे में होने वाला है कि टमाटर की फसल हम कैसे कर सकते हैं, खास करके ओपन फील्ड में, क्योंकि आजकल का जो मॉडल जमाना है उसमें ज़्यादातर जो किसान साथी टमाटर की फसल लेते हैं वो नेट हाउस में, ग्रीन हाउस में या पोली हाउस जिसको बोलते हैं उसमें लेते हैं। तो अगर कोई किसान साथी खुले में करना चाहता है टमाटर की फसल तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था पोली हाउस के बारे में जिसमें खीरे लगे हुए थे, तो उस वीडियो पे मुझे काफ़ी कमेंट मैंने मिले किसानों के कि हम टमाटर की फसल अगर लगाना चाहते हैं ओपन फील्ड में तो किस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि हर कोई किसान पोली हाउस नहीं लगा सकता। मुझे पता है पोली हाउस में बहुत सारा खर्चा बैठ जाता है तो हर कोई किसान उसको नहीं लगा सकता। तो कोई किसान साथी अगर इसको ओपन फील्ड में करना चाहता है तो उस वो कैसे कर सकता है, क्या क्या तरीके हैं, और ख़ास करके जैसे सर्दी के टाइम पे लगाता है तो माइनस तक पारा चला जाता है, यहाँ की बात करूँ तो करीब 2 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं अच्छे खासे टमाटर लगे हुए हैं पेड़ों के और बिल्कुल ओपन फील्ड में किए हुए हैं। इनके ऊपर से इनके ऊपर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना तो कोई नेट हाउस है ना किसी तरह की कोई सुविधा है, लेकिन फिर भी देखो अच्छी तरह से पेड़ों के टमाटर लगे हुए हैं। तो आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप ओपन फील्ड में टमाटर की फसल कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से आपको खाद डालनी पड़ेगी, अगर ठंड से बचाने के लिए कौन सी स्प्रे करनी पड़ेगी, और किस तरह से टमाटर की फसल आप ले सकते हैं, कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करके, वो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अभी से कर दें, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए आपको किसान साथी से मिलवाते हैं। हाँ तो सर नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। तो सर सबसे पहले हमारे किसान साथियों को अपना परिचय जरूर दें। मेरा नाम शिव नारायण मिरोठा है, गांव डोबला कला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ श्रीमान जी। जी सर। तो सर आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका पर्पज है खुले में टमाटर की खेती कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपने बिल्कुल खुले में इसको कर रखा है और बहुत अच्छी तरह से इन पर टमाटर भी लगे हुए हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे किसान साथी टमाटर की फसल करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास नेट हाउस की सुविधा ना होने के कारण वो डरते हैं कि कहीं नेट हाउस के बिना टमाटर की फसल होती है या नहीं होती है, तो पहले तो ये बताओ क्या खुले में टमाटर की फसल आराम से हो जाती है? हाँ आराम से हो जाती है, आपको दिखाई दे रहे हैं खुले में ही करके मैंने यहाँ पर कोई पोली हाउस से लो टनल तक भी नहीं लगाई मैंने आज तक। जी सर। और सर अगर वातावरण की बात करूँ तो कैसे कैसे वातावरण में खुले में हो जाती है ये फसल? देखो ये हाई तापमान में भी हो जाती है और कम टेम्परेचर में भी हो जाती है, थोड़ा अपन को मैनेजमेंट करना पड़ता है। जी सर। तो जैसे मान लो सर कोई गर्मी में लेना चाहे टमाटर की फसल तो कितने टेम्परेचर तक ये मैनेज कर जाती है? देखो गर्मी की फसल में लेना चाहे तो टेम्परेचर 40-45 तक मैनेज कर जाएगी जी, परंतु उसका थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा अपन को उत्तर पश्चिम दिशा में, अपन को क्या है कि जैसे बाजरे या ज्वार हुआ वो बोना पड़ेगा तो उससे गर्म हवाएं डायरेक्ट फसल पर नहीं आए। जी। तो सर अब शुरुआत करना चाहता हूँ, जैसा कि कोई किसान साथी को नॉलेज नहीं है इस बारे में और वो शुरुआत करना चाहे तो उसको शुरुआत में खेत किस तरह से तैयार करना पड़ता है? देखो खेत की तो गहरी जुताई करनी पड़ती है अपन को जी, और देसी खाद होता है अपने जैसे वर्मी कंपोस्ट है, अगर किसी के पास वर्मी कंपोस्ट नहीं हुआ तो गोबर का बिल्कुल सड़ा हुआ खाद खेत में डाल के 2-3 जुताई करके और पाटा लगाना चाहिए। अच्छा। और सर पाटा लगाने के बाद जैसे हम देख रहे हैं आपने बेड बना रखे हैं उसके ऊपर ये पन्नी भी बिछा रखी है तो ये किस तरह से करना पड़ता है, इसका भी प्रोसेस जरूर? देखो इसका अपन को बेड बनवाने के बाद में ड्रिप की पहले ड्रिप बिछाना पड़ता है जी, फिर ड्रिप बिछा के ड्रिप की पूरी लाइन बिछा के उनको एक बार चालू करके चेक करना पड़ता है कोई ड्रिप चोक तो नहीं है या कहीं कटी पट्टी नहीं है जी, तो उसको चेक करने के बाद में हाँ अपनी ड्रिप सही सुचारू रूप से सही चल रही है तो फिर बाद में अपन ये मल्च का बंडल आता है इस पर भी 50% सब्सिडी है सरकार की तरफ से। अच्छा अच्छा। हाँ तो 50% सब्सिडी है तो मैंने नहीं लिया अभी सब्सिडी, परंतु मैं सब किसान भाई को जानकारी देना चाहता हूँ कि इस पर 50% अनुदान मिलता है तो फिर बाद में अपन को ये बिछाना पड़ेगा जी, और आजकल ये मल्च आता है तो इसमें छेद अपने आप ही आते हैं, अपन किसान को छेद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले छेद करना पड़ता था। इसमें अपन जैसी लेना चाहे 36 इंच की लेना चाहे 48 इंच की लेना चाहे डबल लाइन छेद में लेना चाहे सब मिलती है मार्केट में। अच्छा। वो लाके उसको बिछा दे और फिर बाद में ड्रिप चला के पूरे बेड को गीला करके और फिर बाद में टमाटर की पौधे मिर्ची की पौधे जो अपन नर्सरी में तैयार कर रखी है वो लाके यहाँ पर रुपाई कर देते हैं।
तो किसान साथियों, जैसा कि सर बता रहे हैं, आप एक बार ये मल्चिंग करने के बाद जैसे पन्नी बिछा दी आपने, तो उसके बाद में आप अपनी ड्रिप को एक बार चेक जरूर कर लें कि आपकी ड्रिप में सुचारू रूप से पानी आ रहा है या कुछ कमी है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में मल्चिंग करने के बाद में पौध रोपण की बात करते हैं सर से। तो सर, जैसा कि मल्चिंग कर दी, उसमें सुचारू रूप से पानी देख लिया, तो फिर पौध रोपण कितने दिन बाद करनी पड़ती है? नहीं, जैसे आज देख लिया जी, तो आज फिर बाद में ड्रिप चला के पूरी बेड गीला हो जाएगी। जैसे एक दिन चल, 2-3 घंटे चला दिया जी सर, तो फिर बाद में तुरंत पौधे का रोपण करके फिर 1 घंटा ड्रिप चला दो जी सर। रोज 1 घंटा चलानी पड़ेगी? रोज 1 घंटा चलानी पड़ेगी। जैसे अपन ने पौध रोपण कर दी, तो क्या उसके दूसरे दिन से ही पानी देना शुरू कर देते हैं? अगर गर्मी का मौसम है तो भी रोज देना पड़ेगा, सर्दी का मौसम है तो जैसे अपन 1 घंटा के बजाय 1/2 घंटा चलाना पड़ेगा, अपन चलाना जरूर पड़ेगा जी सर। तो सर, जैसे कि शुरुआत में आपने बता दी कि शुरुआत में खाद डाल के इसकी जुताई कर दी, तो उसके बाद में खाद डालने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ती इसमें? नहीं, फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो जैसे अपने एनपीके 19:19 ह्यूमिक एसिड वगैरह ये ड्रिप में ही वेंचुरी में चलाना पड़ता है फिर तो। अच्छा सर, तो सर आप बात कर ले वैरायटी की, आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है अपने खेत में इस टाइम पे? इस टाइम पर ये सिजेंटा की 100 वैरायटी लगा रखी है जी सर। ये क्या है, थोड़ी इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, सर्दी सहन करने की क्षमता भी ज्यादा है जी। जैसे मान लो सर, आप बहुत दिनों से इस फसल को लगा रहे हैं, तो आपको काफी सारा अनुभव भी है, तो खासकर इसमें रोग कौन कौन से आने की संभावना होती है वो जरूर बताएं। टमाटर में विशेषकर रोग चुरिया ही विशेषकर ज्यादा नुकसान करता है। वैसे तो तना विगलन है सब उसी की, मान लो ये 2-3 ही समस्या आती है ज्यादा, या फल काले हो जाते हैं, वो 2-4 रोग की समस्या ज्यादा आती है बस। तो सर, जैसा आप ये रोग बता रहे हैं, फल काले हो जाते हैं और तना गलने लग जाता है, अगर ये समस्या किसान भाई को आती है तो वो इससे कैसे निजात पा सकते हैं? वैसे अगर आप जैविक खेती करोगे तो वैसे ही नहीं आएगा, वैसे ही रोग लड़ने की शक्ति इसकी बढ़ जाती है। और वो तो वर्मी वास है, इसका स्प्रे कर दो। और जैसे अपने 1 किलो गाय की छाछ को तांबे के बर्तन में लेके, और अपने जो ये होता है ना गोबर का रेवड़ा, उसके अंदर 10 दिन के लिए गाड़ दो, फिर उसमें से 150 ml छाछ 15 लीटर टंकी में मिला के स्प्रे कर दो, तो रोग आएंगे ही नहीं। वैसे जैविक तरीका तो ये है, और जैसे रासायनिक तरीका करना चाहते हैं तो जैसे अपने सबसे अच्छा ऑप्शन तो इसका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करने से ही ज्यादा नियंत्रण होता है इसका रासायनिक में तो। जी सर, तो सर ने दोनों प्रयोग बता दिया आपको, रासायनिक भी बता दिया और जैविक भी बता दिया। मेरा मानना तो यह है कि आप जैविक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा अपनी फसलों में करें, क्योंकि जैविक ही सबसे बढ़िया विकल्प है आज की तारीख में। आप जैविक का अगर उपयोग करते हैं तो आपके खेतों की दशा भी सुधरेगी और आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। जैसे नए किसान साथी भी देख रहे हैं जिन्होंने अब से पहले टमाटर की फसल बिल्कुल भी नहीं करी अपने खेत में, तो अगर इनकी पेड़ों की रुपाई की बात करें तो सबसे अच्छा महीना सर्दी के हिसाब से कौन सा रहता है, अगर सर्दी की फसल लेना चाहे किसान अपने खेत में? तो सर्दी की फसल लेना चाहे तो सितंबर में नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए किसान भाई को। अच्छा, सितंबर अक्टूबर में नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए और अक्टूबर नवंबर में रोपण कर देना चाहिए। वैसे मेरी ये तो अपने जुलाई के लिए हुई है। तो गर्मी में अगर कोई भाई लगाना चाहता हो तो उसके लिए कौन सा महीना सबसे बेस्ट रहता है? देखो, गर्मी में अपन को थोड़ा सा नर्सरी तैयार करने का इंतजाम करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया महीना अगर जून में तैयार हो जाए ना नर्सरी जी, और जुलाई में पहली बरसात आते ही रोपण कर दे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में भाव, बाजार भाव बहुत अच्छा मिल जाता है। तो सर, जैसा कि आपने 1 बीघे कच्चे में टमाटर की फसल लगा रखी है, अगर आपको मैं प्रोडक्शन के बारे में पूछूं तो आपको इस 1 बीघे कच्चे से कितना प्रोडक्शन मिल गया इस बार? इस बार श्रीमान जी थोड़ा क्या है कि टमाटर का मार्केट थोड़ा डाउन रह गया जी, इसलिए कम प्रोडक्शन मिला। फिर भी मैंने 1 बीघा कच्चे से 50-60 हजार के लगभग शुद्ध मुनाफा, मतलब खर्चा काट के सारा जुताई से लेके ये सब खर्चा काट के 50-60 हजार रुपए मेरे शुद्ध बचा लिए। बिल्कुल भाव डाउन हो गया था, क्योंकि अब की बार 2-4 रुपए किलो तक मार्केट डाउन हुआ है, इसलिए ये थोड़ा हो रहा है। तो सर, पूछना चाहता हूँ आपको कि आप अपना ये जो प्रोडक्शन है टमाटर का, इनको कहाँ सेल करते हो वो भी बताएं जी। सर, मैं तो क्या है कि मैं यहाँ पर बहुत कम किसान करते हैं, इसलिए भाड़ा वो नहीं पाता है जैसे बड़े साधन का। तो मैं आसपास जैसे लाल सोट है, चाकसू है, यहीं सेल कर पाता हूँ। अगर और किसान साथी भी करने लग जाए, जुड़ जाए, तो फिर अपन को परिवहन की समस्या नहीं होगी, तो फिर अपन चाहे जहाँ बेच सकते हैं। तो अगर आप कहीं और बड़ी मंडी में ले जाकर बेचो तो आपको क्या ज्यादा मुनाफा होने की संभावना है? हाँ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सबका पता रहता है फला मंडी में फला भाव जा रहे हैं, तो ये तो लोकल मंडी आ दिया तो कम भाव रहता ही रहता है जी सर।
तो किसान साथियों, मेरा मोटिव वीडियो बनाने का यही रहता है कि आप किसान साथियों को मैं जागरूक कर सकूं। आप में से कुछ किसान साथी तो अब से पहले जागरूक भी हैं और अच्छी अच्छी मॉडल खेती कर भी रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन खासकर उन किसान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ जो अभी भी अपनी पारंपरिक फसलें बो करके उनको खास मुनाफा अपने खेतों से नहीं हो रहा, तो आप भी कुछ ट्राई जरूर करें। अपने खेतों में फल है, सब्जी है, कुछ ट्राई जरूर करें, इससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। किसान साथियों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो आपको जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आने वाली जो वीडियो है अच्छी से अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सर, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। और किसान साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।